स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उसको तो क्या कहते हैं, हम बिजनेस कहते हैं। और उसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो तो हो गया हमारे पास बिजनेस। अब बात आती है कि अब एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स क्या है। अब देखो, कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो आसपास के सराउंडिंग्स का हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट तो डलेगा। कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा हो, कुछ ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छे ना हो। यानी कि कुछ इम्पैक्ट तो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे बिजनेस के ऊपर डालते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उन सारी चीजों की स्टडी करता है कि हाँ भाई, हमारे आसपास जो हमारे बिजनेस में जितने भी फोर्सेस हैं तो उसमें किस किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो क्या है, एक बहुत वाइडर लेवल पे किया जाता है। और इसके अंदर कई बार क्या होता है कि ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके ऊपर बिजनेस करने वालों का, जैसे कि मैनेजर्स है या कोई भी है, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो तो चेंजेस होके ही रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाँ भाई, आप जितनी ज्यादा सेल करोगे आपके ऊपर जो है इतने परसेंट की रेट से टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो उसके अंदर बिजनेस क्या कर सकता है, वो तो गवर्नमेंट ने बनाई है ना। तो अब वो आपके ऊपर देखता है कि हाँ भाई, आपके बिजनेस के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाला, पॉजिटिव डाला या नेगेटिव डाला, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ये कह सकती है कि अगर आप ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज लगाओगे, ठीक है, आपको क्या करना है, सभी एरियाज को बैलेंस्ड करके चलना है, ठीक है, सभी एरियाज की डेवलपमेंट करनी है। तो ऐसे जगह पे आप फैक्ट्रीज वगैरह लगा लो कि जहां पे ऑलरेडी फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। अब अगर आप वहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करोगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, हम काफी ज्यादा आपको फायदा देंगे। तो वो तो क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसी तरीके से क्या हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल, कि गवर्नमेंट कई बार चेंज होती रहती है या गवर्नमेंट अपना किस तरीके से इंटरफेरेंस करती है, तो वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर। अब इसके अंदर सम टोटल का मतलब क्या है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी को एड ऑन कर दो। अब कौन से फैक्टर है वो आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन से फैक्टर इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ऐसे सभी फैक्टर्स को ऐड कर दो कि जो बिजनेस के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं लेकिन बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि हम उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सारे के सारे चेंजेस क्या हो रहे हैं, हमारे बिजनेस के बाहर हो रहे हैं। हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। अब देखो, कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ आपके फायदे के लिए भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ आपके नुकसान के लिए भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स द मैनेजर टू आइडेंटिफाई, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो मैनेजर्स को क्या पता चल जाता है, बिजनेस की थ्रेट्स के बारे में पता चल जाता है। थ्रेट्स क्या होता है कि बिजनेस के आने वाले आगे क्या नुकसान हो सकते हैं, वो पता चल जाता है। अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाते हैं कि आगे आपके पॉजिटिव चेंजेस क्या होने वाले हैं। थ्रेट्स का मतलब कि नुकसान का पता चल गया। आपको ये पता लगा कि हाँ भाई, कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो हमारे इंडिया में आके बिजनेस करने वाली है। अगर एमएनसी हमारे इंडिया में आ गई तो वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएगी, मशीनों से वहां पे ज्यादा काम होता है, ठीक है। तो वो मशीनों से अगर कोई भी काम होगा तो उसकी कॉस्ट वगैरह कम होती है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए होंगे कि हाँ भाई, वहां से सामान सस्ता मिलेगा और हमारे इंडिया में इतना सस्ता सामान जो है वो नहीं भी मिलता, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, बिजनेस में एमएनसी आ रही है तो आपके लिए वो नुकसान की बात है, ठीक है। तो अब आपको उससे बचने के लिए क्या सजेशंस जो है, आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपको तभी पता चलेगा ना कि हाँ भाई, अगर आप उसकी रेगुलर बेसिस पे स्टडी करोगे। अगर आप उसकी स्टडी नहीं कर रहे, आपको कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई, एमएनसी आए और हमारा बिजनेस ठप करा दे, तो आपको कोई लेना देना नहीं है। आप मजे में अपना बिजनेस कर रहे हो तो वो तो आपका अपना ही लॉस होगा बाद में। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि आपको क्या क्या अवसर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपके पॉजिटिव व्यू पॉइंट की बात होती है, जैसे कि अगर आप इतने दिनों में ना, दो दिनों के अंदर अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हो किसी प्रोड्यूसर से, उसने सेल लगाई हुई है, आपको वही सामान जो है बाद में दो दिनों के बाद महंगा ही मिल रहा है। अभी उसने दो दिनों के लिए कहा है,
मैंने सेल लगाई हुई है तो आप मेरे से ज्यादा अमाउंट में खरीदोगे तो उतना ही ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप एनालाइज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप एनालाइज ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा किसने डिस्काउंट पे क्या चीज जो है वो सेल हो रही है क्या चीज नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको स्टडी करते हो तो आपको थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस। अब इसके अंदर क्या पता चलता है आपको, फोर्सेस के बारे में और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलता है। आउटसाइड द फर्म विद इट्स मेंबर मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस। अब इसमें क्या है कि जितने भी आपके फोर्सेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, उसका बिजनेस जो है अपने पर कोई कंट्रोल नहीं होता और हमें इसको जो है साथ के साथ एनालाइज भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। अब इसके अंदर जो फोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अभी आप बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर क्या पढ़ोगे, डायमेंशंस पढ़ोगे। डायमेंशंस में आप फाइव डायमेंशंस पढ़ते हो, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिक आपका पैसों से रिलेटेड होता है, सोशल आपका सोसाइटी से रिलेटेड होता है जैसे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज, उनसे रिलेटेड। पॉलिटिकल आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और टेक्नोलॉजिकल आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। और जो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, सप्लायर जो आपको सामान सप्लाई करते हैं, कस्टमर जो आपसे सामान खरीदते हैं, कॉम्पिटिटर जो आपके जैसे सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरमेंट में आपको दो चीजों का पता चलता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज का मतलब पॉजिटिव चेंज होता है और थ्रेट्स का मतलब नेगेटिव चेंज होता है, ठीक है। तो यहां तक का हमारे पास बिजनेस एनवायरमेंट का इंट्रोडक्शन है। आगे हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इसके अंदर हमारे पास टोटल जो है 7 इसकी फीचर्स आएंगी, तो हम 1 by 1 उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है टोटेलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर टोटेलिटी का मतलब क्या है कि किसी चीज का टोटल कर देना। टोटल किस चीज का करें, बिजनेस एनवायरमेंट में मैंने अभी अभी आपको जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बताया था कि फोर्सेस क्या होते हैं, या फिर हम उसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं या डायमेंशंस भी कह सकते हैं। कौन कौन से 5 फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट वन तो हमारे पास है इकोनॉमिक, सेकेंड है हमारे पास सोशल, थर्ड है हमारे पास पॉलिटिकल, फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल एंड फिफ्थ है लीगल, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को मिला के इकट्ठी जो है इसकी स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स फोर्सेस जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इकोनॉमिक में पैसों से रिलेटेड, सोशल में सोसाइटी से रिलेटेड, इसके अंदर हमारे पास कस्टम्स वगैरह, अपने कुछ रीति रिवाज, ठीक है, मॉरल वैल्यूज, ये सब आ जाएंगे। पॉलिटिकल के अंदर क्या आ जाएगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट की बातें आएंगी सब। टेक्नोलॉजी के अंदर की किस तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है, जिस तरीके की हमारे सराउंडिंग्स में जो हमारा बिजनेस है उसके सराउंडिंग्स में जो टेक्नोलॉजी चल रही होगी वैसी ही हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और लीगल, ठीक है, कि कानूनी बातें क्या है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड फीचर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसमें स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस में इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इसमें स्पेशल का मतलब कि आपका जो बिजनेस है आपके ऊपर जो है स्पेशल तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि सभी बिजनेस के ऊपर एक जैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो कोई स्पेशल पर्टिकुलर बिजनेस है, ठीक है, और उसी सेम नेचर का जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर सेम इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि क्लॉथ्स का जो बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो दिखा रखा है, ठीक है। अगर जो है ये कहा जाए कि पूरी मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो, चाहे क्लॉथ्स की हो या कोई भी शॉप जो है मार्केट में जितनी भी अवेलेबल हैं, तो सभी के ऊपर अगर सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है, इक्वली इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या है वो जनरल। अगर जो है स्पेशल के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है तो स्पेसिफिक। अगर सभी के ऊपर चाहे वो किसी भी तरीके से मार्केट में शॉप हो सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो किसमें आ जाएगा, जनरल में, ठीक है। आप इसमें सेपरेटली इम्पैक्ट जैसे सप्लायर की, सप्लायर जो है कि कितनी सप्लाई कर रहे हैं, या कस्टमर की क्लॉथ्स के रिगार्डिंग कस्टमर की क्या डिमांड है, ठीक है, तो हम किसी एक प्रोडक्ट को लेकर ही इसमें चलते हैं। और सेकेंड इसमें जनरल में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, वही 5 हमारे पास इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये वाला जो पूरा टॉपिक है वो आपको पूरा डिटेल में करवाया जाएगा जिसके डायमेंशन होंगे उसमें। अब नेक्स्ट वन है इसके अंदर इंटर रिलेटेडनेस।
इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से बताया है कि अगर लोगों के अंदर ये बात आ जाए ना उनके मन में कि हाँ भाई हमें तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है, तो फिर लोग क्या करेंगे, किस चीज की डिमांड बढ़ाएंगे, वो ये सोचेंगे कि हाँ भाई हमें तो जो है ऑयल फ्री फूड जो है और जो हेल्दी भी हो और इसके अंदर ऑयल भी ना हो, हम तो ऐसी जो चीजें हैं उसको यूज करना, उसका कंजम्पशन करना जो है वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हुआ तो इसमें चेंज कि लोगों ने अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, हेल्थ के बारे में सोचते सोचते उन्होंने जो है किसी चीज की डिमांड में भी चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके अंदर डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो डायनेमिक नेचर का है, यानी कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कभी भी टेक्नोलॉजी सेम तो नहीं रहती। अब पहले लोग हाथ से सारी चीजों का प्रोडक्शन करते थे, आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, मशीनें भी साथ के साथ जो है टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। इसी तरीके से अगर मान लो कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की डिमांड में, कंज्यूमर के टेस्ट में इस तरीके से कोई भी चेंज आ जाता है, तो जो है जो हमारा शॉपकीपर है उसको क्या लगता है कि हाँ भाई अब तो कस्टमर ने ये वाला सामान खरीदना तो बंद कर दिया, इसके पसंद के अकॉर्डिंग ही हमें सामान बनाना है, तो सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है। मतलब डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है कि जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, अनसर्टेन है, यानी कि फ्यूचर के बारे में क्या होना है क्या नहीं होना हमें कुछ नहीं पता, तो इसमें भी यही बात बता रखी है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस, की इन फ्यूचर में एनवायरमेंट के अंदर किस तरीके से चेंज हो जाए और इसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट पड़े हमें कुछ नहीं पता। अब हमें ये नहीं पता कि हाँ भाई गवर्नमेंट जो है किस तरीके से अपने नेक्स्ट अपने प्लान्स वगैरह बनाएगी और उसका हमारे हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक वो प्लान हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाता तो हम तक उस तक का जो है प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि क्या होगा। नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो इतने सारे आपके पास जैसे ये फोर्सेज है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, इन सारी बातों को एक साथ समझना और बिजनेस के ऊपर किस तरीके से कि कौन से फोर्स का कैसा इम्पैक्ट आएगा उसका पता लगाना, ये बहुत ही ज्यादा क्या है कॉम्प्लेक्स नेचर का है। नेक्स्ट रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज तो छोड़ो, यानी कि अलग अलग अगर एक शहर से दूसरे शहर में भी चले जाए उसमें भी डिमांड में काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। हो सकता है कि यहाँ पे हमारे इंडिया में भी जो है, अब देखो हरियाणा में, पंजाब में किसी चीज की डिमांड हो और मुंबई में क्या होता है लोग उस चीज की डिमांड ना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो सकता है, तो इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो ये आपको बिजनेस एनवायरमेंट की सारी फीचर्स दी हुई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ठीक है, अब देखो कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान, किसकी पहचान करना है हमें, अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज का मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, अवसर, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं हिंदी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब हमें किसकी पहचान करना है, अपॉर्चुनिटी की पहचान करना है, टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है कि जो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो हम अपने सबसे पहले नंबर पे ढूंढे। अब अगर जो है अपॉर्चुनिटीज का हमें पता चल जाए और हम उसके अकॉर्डिंग काम कर ले तो पूरी मार्केट पे राज किसका आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसका लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब देखो कि मोबाइल पे हम चैट करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन उसमें से कुछ फेमस तो कुछ ही हुए हैं ना। जैसे आज के टाइम में लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है हर कोई करता है, ठीक है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे कोई बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो है नंबर वन एप्लीकेशन बन गया है किसके लिए, फॉर मोबाइल चैट के लिए। अब किसको इसका फायदा है, चलो हम लोगों को तो इसका फायदा है। अब जो है जिसने ये व्हाट्सएप बनाया उसको तो कितना फायदा होगा, क्योंकि कितने ही लोग इसको यूज करते हैं, लाखों करोड़ों लोग इसको व्हाट्सएप को यूज करते हैं, तो उसको सबसे पहले इसका क्या हुआ, फायदा हुआ। तो उसने क्या देखा कि मार्केट में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी चल रही है। अब लोगों को ये है कि हाँ भाई हमें अपनी जो जरूरतें हैं, जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, तो उनको कोई ना कोई चीज चाहिए थी, ठीक है, कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए थी, तो व्हाट्सएप ने सारे लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से उन्होंने फायदा उठाया। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द फॉर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर हमें पहले ही किसी खतरे का पता चल जाए तो हम उसके लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो MNC है, मान लो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि MNC मल्टीनेशनल कंपनी है और वो इंडिया में आ रही है। अब अगर मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में आई, तो अब जो इंडिया में जिन लोगों का बिजनेस चल रहा है उनको तो डर है कि मल्टीनेशनल कंपनी अगर इंडिया में आ गई तो वो अपना ही वहां पे राज चलाएगी, तो हमारा तो यहाँ से राज खत्म हो जाएगा। तो ये लोगों को वैसे पता कब चलेगा कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है या कोई थ्रेट्स आ रहे हैं? अगर वो बिजनेस एनवायरमेंट को टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, चेक करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा। तो अब जो है, या तो वो अपने ही प्राइसेस कम करने शुरू कर देंगे या और भी ज्यादा बेटर टेक्निक से सामान बनाना शुरू कर देंगे, ताकि जो है MNC के आने से उनके ऊपर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट क्या है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज की। यूजफुल रिसोर्सेज का हमें यूज भी करना है। अब नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज है हमारे पास, मटेरियल है, मशीन है, मैन है, मनी है, ये हमारे पास रिसोर्सेज है जिसका हम प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज करते हैं। अब देखो, जो बिजनेस है वो गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, अब वो एनवायरमेंट से इसको पता चलता है कि हाँ भाई कौन से तरीके के जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, ठीक है। अब जो है हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही सामान बनाना पड़ेगा जिसकी लोग डिमांड कर रहे हैं। अब जो इन्होंने गुड्स बना दी, जो बिजनेस ने जो है एनवायरमेंट को देख के गुड्स बना दी, अब वो जो गुड्स है वो क्या करेंगे, वो उसी एनवायरमेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो वो एनवायरमेंट जो है जहां से हमें पता चला कि लोगों की नीड है, तो वो उस नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने गुड्स बना दी, तो हम वो गुड्स बना के किसको दे देंगे, लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो उससे उनको भी गुड्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता रहता है कि हाँ नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी जितने भी हैं वो हमें अपने एनवायरमेंट से मिलते हैं और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। बिना एनवायरमेंट के कुछ नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो हमें एनवायरमेंट से ही मिलते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कौन से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब जो है रैपिड चेंजेस बिजनेस एनवायरमेंट को अगर आप एनालाइज करते तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, डायनेमिक नेचर है, उसके अंदर टाइम टू टाइम बहुत स्पीडली चेंज होते रहते हैं। जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा जल्दी से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लोगों की डिमांड फटाफट से बदल जाती है, टेक्नोलॉजी जल्दी से बदल जाती है। तो अगर हम उसको बिजनेस एनवायरमेंट को चेक करते रहते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हमें इन फैक्टर्स के बारे में कि क्या क्या चेंज हो रहा है उनके बारे में हमें पता चलता रहेगा, और उसके रिगार्डिंग हम अपना सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम बिजनेस एनवायरमेंट को टाइम टू टाइम चेक करते हैं तो हमें आगे की प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये प्लानिंग में होता है। और प्लानिंग करने के बाद फिर हम पॉलिसी बनाते हैं कि हाँ भाई हमारे बिजनेस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो अब ये बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प करता है, स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस कैन बी मेड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस एनवायरमेंट के थ्रू हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाता है, उसके थ्रू हम उसको मतलब उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। मान लो हमें पता चला कि यहाँ इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है काफी अच्छे से चल रही है, तो हम उसके रिगार्डिंग जो है अलग अलग प्लानिंग करनी शुरू कर देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे जो है इस तरीके से हम अपने टूरिस्ट को यहाँ घुमा सकते हैं, वहां घुमा सकते हैं, इस तरीके से कैब की अरेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट से ला सकते हैं, या होटल्स की बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है, ठीक है। और भी जो है फन एक्टिविटीज वगैरह इसके रिगार्डिंग वो सब हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस इन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरमेंट में टाइम टू टाइम जो है हम काम करते रहते हैं, हमें अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का भी मौका मिल जाता है कि हाँ ये काम हम किस तरीके से बेटर वे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम डिस्कस करते हैं, यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो सेशन में हम कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरमेंट, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट को हम आगे टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो, सेकेंड वन इज मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का दूसरा नाम ऑपरेटिंग एनवायरमेंट है। अब यहाँ पे देखो इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब क्या है। इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब कि जो हमारे बिजनेस के अंदर ही होता है, ठीक है, और जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट भी डालता है। अब ऐसा इम्पैक्ट डालने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारे बिजनेस के अंदर ही होते हैं, और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कोई फैक्टर होंगे उसका बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। आप देखो कि जैसे ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव है, अब ऑब्जेक्टिव का मेन रोल होता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों द्वारा ही बनाए जाते हैं,
तो अभी उनके विषय के यहाँ पे वो किस तरीके के ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो क्या काम करेंगे, उसके रिगार्डिंग वो प्लानिंग पॉलिसीज वगैरह ये सब बनाएंगे। अब प्लानिंग कर ली, पॉलिसी बना ली, उसके बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं। इसके अंदर हम सिमिलर नेचर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो हम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर वो डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्शन का मेथड, कि क्या प्रोडक्शन का मेथड है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, ठीक है। अब उनकी मर्जी है कि हाँ भी वो किस तरीके का प्रोडक्शन मेथड जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कितनी है वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें पता होता है कि हाँ कितनी कैपेसिटी है, कितना हमें प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट आता है माइक्रो और मैक्रो। एक्सटर्नल क्या होता है कि जो हमारे मतलब बिजनेस के ही बाहर होता है, जो चीज हमारे बिजनेस के बाहर है वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हुई। माइक्रो को हम स्पेसिफिक कहते हैं, मैक्रो को हम जनरल कहते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग इसके इंडस्ट्री के ऊपर, अलग अलग जो फर्म्स के ऊपर अलग अलग तरीके से सेपरेटली इम्पैक्ट डालते हैं। जनरल का मतलब क्या है, जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह है सभी के ऊपर सेम इम्पैक्ट डालता है। इसको हम ऑपरेटिंग एनवायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, पब्लिक ये सब आती है। मैक्रो के अंदर हमारे पास जो फाइव फोर्सेस हैं, फाइव हम डायमेंशंस जिसको हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब आते हैं। अभी जो है इसके डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस में यही हमारे पास पांच चीजें आएगी, तो यहां तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में हमारे पास फाइव डायमेंशंस आती है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ठीक है। जो ये हमारे पास है फाइव मेन डायमेंशंस हैं। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एनवायरमेंट है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट वो होता है कि जिसके अंदर अगर पैसों की बात आ जाए तो यानी कि वो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। अब जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या क्या आता है, ऑल द फैक्टर व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। अब यानी कि वो सारे के सारे फैक्टर जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर जितने भी यानी कि काम आएंगे वो किस में आएंगे, इसके अंदर जितनी भी बातें आती है वो सारे मनी से रिलेटेड आती है। अगर आपके पास केस स्टडी आई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक है या फिर सोशल है या टेक्नोलॉजिकल है, तो आपको इसके कुछ कीवर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। क्या क्या, आप देखो कि जैसे इनकम है, ठीक है, इनकम जो है पैसों से रिलेटेड है वो इसके अंदर आएगा। इन्फ्लेशन महंगाई है, इसके अंदर इकोनॉमिक में ही आएगा। टैक्स रेट की कितने परसेंट टैक्स रेट चल रही है वो इसके अंदर आएगा। इंटरेस्ट रेट कितनी है, करेंसी एक्सचेंज रेट कितनी है, मनी की कितनी सप्लाई मार्केट पे हो रही है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कितने कितने पैसों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन, इसके बाद रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अब देखो कि नोटबंदी हुई थी ना, अब ये नोटबंदी क्या हुई थी कि जो हमारे पास जो पहले 500 और 1000 रुपीस के नोट थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके रिप्लेसमेंट क्या चलाया गया था, न्यू 500 के और 2000 के नोट्स आए थे, ठीक है। तो ये डीमोनेटाइजेशन है, ये अलग अलग तरीकों की वजह से, ये अलग अलग वजहों की वजह से ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था। इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व कितना है, कितना नहीं है, ये सब जो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आएगा। अगर आपके पास पैसों से रिलेटेड कोई भी टर्म है वो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आएगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिक्रीज इन बैंक रेट। अगर लोगों को लोन सस्ता मिलने लग जाए तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोन लेके वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो अभी लोगों ने वही काम करना, ज्यादा सामान खरीदेंगे वो, ठीक है। और एक आपके पास टर्म आती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स को माइनस करने के बाद जो इनकम बाकी रह जाती है उसका हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट में हमारे पास ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेस, बर्थ एंड डेथ रेट्स, कंजम्पशन हैबिट्स। कंजम्पशन हैबिट का मतलब कि लोग क्या कंज्यूम करना पसंद करते हैं, कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप लाइफ के लिए क्या क्वालिटी चाहते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसी तरीके से हेल्थ एंड फिटनेस, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब जैसे इसके अंदर ये बात आई है ट्रेडिशंस की, ट्रेडिशंस में क्या क्या आ जाएगा, जो अलग अलग तरीके की फेस्टिवल है, दिवाली, ईद, क्रिसमस, अब इसकी वजह से क्या होता है,
लोगों के जो कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि इन दिनों में डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे। अपॉर्चुनिटीज जो है कुछ बिजनेस के लिए होती है, जैसे स्वीट्स और क्लोथ्स, इनकी डिमांड उस टाइम पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम अपने और भी दो तीन एड ऑन कर सकते हैं, कस्टम ट्रेडिशंस, ये सब, ये हमें केस स्टडी को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। अब आगे क्या है, वैल्यूज, वैल्यूज में क्या आ जाएंगे, फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी। फ्रीडम में क्या आएगा कि हाँ भाई, हमें मार्केट में अलग अलग चीजों को खरीदने के लिए छूट मिलनी चाहिए, कि कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे कि तुम्हें तो यही सामान खरीदना है। ठीक है, उस बात की फ्रीडम होनी चाहिए, सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि लोग उसमें जो है बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसका भी तो कोई ड्यूटी बनती होगी बिजनेस के लिए, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज बिजनेस से ले रहा है, उसकी भी कुछ ड्यूटी होगी, तो उसका वो अच्छे से निभानी चाहिए। इक्वालिटी, इक्वल रेमोनरेशन, यानी कि इक्वल पे मिलनी चाहिए, चाहे कोई मैन हो चाहे कोई वुमेन हो, अगर सेम काम ले रहे हैं तो इक्वल पे भी मिलने चाहिए। कुछ सोशल ट्रेंड्स भी होते हैं, जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है कि अगर लोग हेल्थ के लिए ज्यादा कॉन्शियस हैं तो वो क्या करेंगे, जिम्स ज्वाइन करेंगे, मिनरल वाटर जो है साफ पानी पियेंगे, इस तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। इतना आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास डायमेंशन है उसका नेम है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है, उसी तरीके से हमारे जो बिजनेस हैं उसमें भी हमें नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ती है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए और हमारे कॉम्पिटिटर्स कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए तो उनको तो फायदा हो जाएगा और हमें क्या होगा, नुकसान। तो उसे आप पूरा करने के लिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी जिस तरीके से मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का हमें भी यूज करना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की केस स्टडी के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, अगर उसके अंदर इनोवेशन यानी कि कोई नई टेक्निक्स हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल एआई से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आप, अगर आप नई मशीनरी लेके आ रहे हो, ऑनलाइन टिकट्स बुक करा रहे हो, तो ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि पहले क्या होती थी, ऐसे डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी, ये तो आज के टाइम में है ना कि डिजिटल वॉचेस हो रही है। तो अब जो है डिजिटल वॉचेस के आने की वजह से जो पुराने टाइम में जितनी भी वॉचेस होती थी, अब उनको यूज करना लोगों ने क्या कर दिया है, कम कर दिया, जो सिंपल ही वॉच होती थी। ठीक है, अब इसी तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपके बिजनेस के ऊपर इसकी वजह से अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है और थ्रेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस देखनी है आपको कंट्री के ऊपर। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या गवर्नमेंट ने बनाए हैं, करप्शन कितना हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान के बारे में क्या बताया है, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी कितनी है, क्या ये तो नहीं कि गवर्नमेंट आए दिन चेंज हो रही है। ठीक है, पीस ऑफ द कंट्री, शांति कितनी है आपकी देश में, इसी तरीके से पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट, नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, कि गवर्नमेंट जो है कितना इंटरफेयर कर रही है किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये है आपके पास पॉलिटिकल एनवायरमेंट। लास्ट है आपके पास लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट में लीगली सारे काम होते हैं, इसके अंदर लीगली एक्ट वगैरह पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एक्ट वगैरह, कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है, लेजिस्लेचर में क्या बताया है। ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या लॉज बताए गए हैं, अगर कोई स्टेचुटरी का मतलब है कानूनी किसी ने वार्निंग दी है, वो आपको ये भी चेक करना है। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, कि जो एडवर्टीजमेंट हो रही है उसके ऊपर क्या लिखा है, कई बार जो एडवर्टीजमेंट साफ साफ दी जाती है कि ये काम करना मना है। ठीक है, अब जैसे कि स्मोकिंग के बारे में भी, स्मोकिंग के पैकेट पे पीछे भी लिखा होता है, ठीक है, कि हाँ भाई अगर स्मोकिंग करते तो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस है। नेक्स्ट है मेकिंग एनी ऑर्डर कंपल्सरी, किसी ऑर्डर को अगर हम कंपल्सरी कर देते हैं वो भी किसमें आएगा, लीगल में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।